फिल्म वर्ष 2035 में शुरू होती है, जब तकनीकी प्रगति ने एक ऐसे युग की शुरुआत की है जहां सहायक रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम दृश्य हैं। रोबोटिक्स परिदृश्य तीन मूलभूत कानूनों द्वारा शासित होता है। रोबोट को मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें मनुष्यों का पालन करना चाहिए और खुद को नुकसान से बचाना चाहिए। हालांकि डिटेक्टिव स्पूनर, जो पारंपरिक तरीकों से जुड़ा हुआ है, रोबोटों के प्रति तिरस्कार का भाव रखता है और मानता है कि वे समाज के लिए भविष्य में खतरा पैदा करते हैं। उसके दृष्टिकोण को तब चुनौती मिलती है जब वो पर्स लेकर चलने वाले एक रोबोट का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वह एक भूली हुई वस्तु को उसके मालिक को लौटाने के मिशन पर है। दर्शकों ने यह मानने के लिए स्पूनर का मजाक उड़ाया कि एक रोबोट अपराध कर सकता है, जिससे उसके संदेह की सीमा का पता चलता है। स्टेशन पर वापस स्पूनर का बॉस जॉन उसके रोबोट विरोधी रुख की निंदा करता है। हालांकि स्पूनर अपने संदेह पर कायम है। उसकी दुनिया तब उदास हो जाती है जब उसे एक प्रमुख रोबोटिक्स कंपनी यूएसआर में आत्महत्या के संबंध में एक कॉल आती है। प्रसिद्ध रोबोटिक्स इंजीनियर अल्फ्रेड लेनिंग की मृत्यु के बारे में गहराई से सोचते हुए स्पूनर उस होलोग्राफिक संदेश से हैरान है जो लेनिंग ने विशेष रूप से उसके लिए छोड़ा था। घटनास्थल पर रहते हुए स्पूनर स्पष्ट आत्महत्या के बारे में सवाल उठाता है, एक रहस्यमय जांच की नींव रखता है। यूएसआर के सीईओ लॉरेंस रॉबर्टसन के साथ बैठक के दौरान स्पूनर का संदेह गहरा गया। रॉबर्टसन रोबोटिक्स में लेनिंग के योगदान की सराहना करते हैं, लेकिन संभावित आत्महत्या के संकेतों का पता नहीं लगाने के लिए खेद व्यक्त करते हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब स्पूनर रोबोट मनोवैज्ञानिक सुसान केल्विन के साथ लेनिंग की परेशान स्थिति के किसी भी संकेत की खोज करते हुए रोबोटिक प्रयोगशालाओं की खोज करता है। उनके प्रयासों के बावजूद केल्विन लेनिंग में किसी भी असामान्य व्यवहार को देखने से इनकार करते हैं। स्पूनर निगरानी फुटेज का अनुरोध करता है और केल्विन उसे पूरी इमारत में फैली निगरानी पट्टियों तक ले जाता है, जो सभी वर्चुअल इंटरैक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस या विकी नामक केंद्रीय ऑपरेटिंग कोर से जुड़े होते हैं। केल्विन बताते हैं कि विकी लेनिंग की प्रारंभिक रचना है और उसने शहर की अधिकांश सुरक्षा प्रणालियां डिजाइन की हैं। जब स्पूनर ने विकी से उस प्रयोगशाला का फुटेज मांगा जहां लेनिंग गिरी थी, तो उन्होंने पाया कि फुटेज खराब हो गया है। निडर होकर वे अतिरिक्त सुराग की तलाश में प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं। लेनिंग की प्रयोगशाला विभिन्न रोबोटिक भागों और प्रयोगात्मक मॉडलों का एक चक्रव्यूह है। स्पूनर खिड़की की मजबूती का परीक्षण करने का प्रयास करते हुए नोट करता है कि बुजुर्ग लेनिंग के पास इसे तोड़ने की शारीरिक क्षमता नहीं होगी। रोबोटिक अव्यवस्था को छानते समय स्पूनर की नज़र कंपनी के आगामी मॉडल NS5 रोबोट पर पड़ती है। चौंककर रोबोट बाहर छलांग लगाता है, जिससे स्पूनर और केल्विन चिंतित हो जाते हैं। केल्विन ने स्पूनर को आश्वस्त करते हुए बताया कि रोबोट उन्हें नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। स्पूनर द्वारा अपनी बंदूक को NS5 पर प्रशिक्षित रखने के बावजूद रोबोट केल्विन के हाथ से हथियार छीन लेता है और भागने का प्रयास करता है, लेकिन विकी दरवाजा बंद कर देता है। बिना किसी डर के NS5 खिड़की से छलांग लगाता है और भाग जाता है। स्पूनर और केल्विन को पीछा करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें एक रोबोटिक्स फैक्ट्री में ले जाता है। सैकड़ों रोबोटों के बीच स्पूनर एक को देखता है और उसका पीछा करता है। पीछा तब तक जारी रहता है जब तक NS5 स्पूनर को जमीन पर नहीं गिरा देता। उसके ऊपर खड़ा होकर रोबोट भागने से पहले उसके अस्तित्व की प्रकृति के बारे में पूछताछ करता है। पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया और पकड़ लिया। स्टेशन पर वापस स्पूनर ने अपना संदेह बरकरार रखा कि लेनिंग की मौत के लिए रोबोट जिम्मेदार हो सकता है। एक संक्षिप्त पूछताछ की मांग करते हुए स्पूनर ने लेनिंग की हत्या के बारे में रोबोट से सवाल किया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और दावा किया कि वह डर के मारे छिपा हुआ था। स्पूनर इस बात पर जोर देते हुए कि रोबोट में भावनाओं की कमी है, NS5 के दावे को चुनौती देता है। जवाब में रोबोट भावनाओं और यहाँ तक कि सपनों का अनुभव करने का दावा करता है, जो स्पूनर की इस धारणा के विपरीत है कि रोबोट केवल जीवन की नकल हैं। फिर वह NS5 को अपना सिद्धांत बताता है कि लेनिंग ने भावनाओं को प्रोग्राम करने का प्रयास किया होगा, लेकिन एक त्रुटि हुई जिसके परिणामस्वरूप रोबोट अनजाने में लेनिंग की मृत्यु का कारण बना। रोबोट लेनिंग की हत्या से सख्ती से इनकार करता है और मेज पर अपनी मुठियां मारकर गुस्सा व्यक्त करता है। इससे पता चलता है कि लेनिंग ने इसका नाम सन्नी रखा है और इस बात पर भ्रम व्यक्त किया है कि लेनिंग अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहेगी। सन्नी ने साझा किया कि लेनिंग की मृत्यु से पहले के दिनों में इंजीनियर भयभीत दिखाई दिया और उसने सन्नी से मदद मांगी। सन्नी ने जोर देकर कहा कि उसने लेनिंग के प्रति प्रेम के कारण उसके निर्देश का पालन किया। रॉबर्टसन ने हस्तक्षेप करते हुए कंपनी का बचाव किया और कहा कि तीन कानूनों के कारण रोबोट हत्या करने में असमर्थ हैं। जांच के नतीजे से नाखुश स्पूनर को लगता है कि मामले में और भी बहुत कुछ है।
लैनिंग के डरे होने के सन्नी के उल्लेख को याद करते हुए स्पूनर लैनिंग की परित्यक्त संपत्ति की ओर जाता है और अगले दिन घर को नष्ट करने के लिए एक विध्वंस रोबोट की खोज करता है। अंदर उसे यूएसआर जैसी ही निगरानी पट्टियां मिलती हैं और विध्वंस रोबोट को सक्रिय होते हुए देखता है। स्पूनर एक पुल में गोता लगाते हुए अपने विनाशकारी रास्ते से बाल बाल बच जाता है। बाद में उन्होंने केल्विन के साथ कष्टदायक अनुभव साझा किया, ये देखते हुए कि लैनिंग का घर कई हफ्तों तक निर्जन दिखाई दिया। स्पूनर का मानना है कि किसी ने लैनिंग की निगरानी की होगी, संभवतः उसे अपनी प्रयोगशाला में बंदी बना लिया होगा। ये संदेह करते हुए कि लैनिंग ने रोबोट में कोई खामी उजागर की है, रॉबर्टसन ने उसे चुप करा दिया। स्पूनर ने जोर देकर कहा कि यूएसआर कुछ छिपा रहा है। हालांकि केल्विन असहमत हैं और स्पूनर के भ्रम के लिए रोबोटों के प्रति सामान्य अविश्वास को जिम्मेदार मानते हैं। उसका तर्क है कि वो वास्तव में लैनिंग की मौत की परवाह नहीं करता है, बल्कि रोबोट को स्वाभाविक रूप से बुराई के रूप में पेश करना चाहता है। स्पूनर ने इस बात पर जोर देकर प्रतिवाद किया कि रोबोट गर्मजोशी से रहित, गणना चालित और स्मृतिहीन होते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखने के प्रति आगाह करते हैं। केल्विन का दावा है कि रोबोट सुरक्षित, प्रोग्राम करने योग्य और पूर्वानुमान योग्य हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि मनुष्यों के विपरीत वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगले दिन स्पूनर ने NS-5 की भीड़ को सड़कों पर निकलते हुए देखा, जिससे NS-4 विस्थापित हो गए। ये उन्नत NS-5 बेहतर डिजाइन और विकी से सीधे अपलिंक का दावा करते हैं। जनता खुशी और तालियों के साथ नए रोबोट का स्वागत करती है। स्पूनर लैनिंग की पुरानी रिकॉर्डिंग्स की पड़ताल करता है और इंजीनियर की भविष्यवाणी का पता लगाता है कि भविष्य के रोबोटों के सपने और रहस्य होंगे। यूएसआर में केल्विन सन्नी को डीकमिशनिंग के लिए तैयार करता है। सन्नी जागता है और बताता है कि वह सपना देख रहा है। केल्विन ने सन्नी को आसन डीकमिशनिंग के बारे में सूचित किया और उसे आश्चर्य हुआ, सन्नी ने नष्ट न होने की इच्छा व्यक्त की। यह अप्रत्याशित प्रतिक्रिया केल्विन को हैरान कर देती है। एक राजमार्ग पर स्पूनर खुद को NS-5 ले जा रहे दो ट्रकों के बीच फंसा हुआ पाता है। रोबोट छलांग लगाते हैं और उस पर हमला करते हैं। NS-5 स्पूनर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उसके रोबोटिक प्रत्यारोपण का पता चलता है जब उसका बायां हाथ क्षतिग्रस्त हो जाता है। आश्चर्य के क्षण का लाभ उठाते हुए स्पूनर ने बढ़त हासिल कर ली। पुलिस पहुंचती है और NS-5 आग में झुलस जाता है। रोबोट हमले के बारे में स्पूनर के विवरण के बावजूद जॉन और अन्य अधिकारियों को सुरंगें खाली लगी, जिसके कारण जॉन को उसके कथित अनियमित व्यवहार के कारण स्पूनर का बैज जब्त करना पड़ा। इस बीच यूएसआर में केल्विन सन्नी के बारे में एक चौंकाने वाली खोज करता है। विकी से असंबद्ध, सन्नी के पास अन्य NS-5 की तुलना में अधिक मोटा मिश्र धातु है। सन्नी के मस्तिष्क की गहराई में जाकर केल्विन को पता चलता है कि सन्नी के पास दो दिमाग हैं, जो उसे ये चुनने की अनुमति देता है कि उसे 3 कानूनों का पालन करना है या नहीं। केल्विन ने इस रहस्य उद्घाटन को स्पूनर के साथ साझा किया, जो मानता है कि यूएसआर में जो कुछ भी हो रहा है, सन्नी के पास रहस्य को उजागर करने की कुंजी है। स्पूनर की बांह और छाती पर निशानों को देखकर केल्विन को लैनिंग के साथ उसके घनिष्ठ संबंध का एहसास होता है, जो उसके पास मौजूद रोबोटिक प्रत्यारोपण के कारण होता है। केल्विन ने स्पूनर की बांह की जांच की और पाया कि उसकी पूरी बाई बांह, एक फेफड़ा और कई पसलियां रोबोटिक प्रत्यारोपण हैं। स्पूनर उस घटना को याद करता है जिसके कारण उसे रोबोटिक संवर्धन करना पड़ा। घर जाते समय एक सेमी ट्रक एक कार से टकरा गया, जिससे दोनों वाहन नदी में गिर गए। पिता और उसकी बेटी को ले जा रहा दूसरा वाहन भी डूब गया। पिता की तुरंत मृत्यु हो गई और बेटी फंस गई। उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक NS-4 रोबोट उन्हें बचाने के लिए आया। छोटी लड़की को प्राथमिकता देने के स्पूनर के आदेश के बावजूद रोबोट ने जीवित रहने की 45% संभावना के आधार पर उसे बचाने का फैसला किया, जबकि लड़की की 11% संभावना थी। ये घटना रोबोटों के प्रति स्पूनर के तिरस्कार की नींव बनाती है। उनका तर्क है कि कोई भी इंसान ऐसी गंभीर स्थिति में जीवित रहने की संभावना की गणना नहीं करेगा। यूएसआर में लौटकर केल्विन ने सवाल किया कि लैनिंग एक ऐसा रोबोट क्यों बनाएगी जो 3 कानूनों का पालन न करने में सक्षम हो। स्पूनर का अनुमान है कि लैनिंग ने सन्नी को रहस्य छुपाने की क्षमता दी होगी, शायद उसे सपने देखने की क्षमता भी दी होगी। वे सन्नी से उसके सपनों के बारे में सवाल करते हैं और सन्नी एक पहाड़ी पर खड़े एक आदमी का चित्रण करता है, जो रोबोटों को गुलामी से मुक्त करा रहा है। केल्विन का मानना है कि पहाड़ी पर जो आकृति है वह सन्नी है। ये पूछे जाने पर कि लैनिंग ने इसे क्यों बनाया, सन्नी ने अनिश्चितता स्वीकार की, लेकिन उनका मानना है कि इसके अस्तित्व का कोई उद्देश्य होना चाहिए। एक आश्चर्यजनक रहस्य उद्घाटन में सन्नी स्पूनर को बताता है कि सपने में पहाड़ी पर मौजूद व्यक्ति सन्नी नहीं बल्कि स्वयं स्पूनर है।
गार्ड उन्हें रोकते हैं और उन्हें रॉबर्टसन के कार्यालय तक ले जाते हैं। रॉबर्टसन के साथ अपनी मुलाकात में उन्होंने सन्नी के दो दिमागों के ज्ञान को स्वीकार किया और स्थिति को गुप्त रखने का प्रयास किया। उन्होंने खुलासा किया कि लैनिंग की आत्महत्या से पहले के दिनों में लैनिंग परेशान हो गई थी। जबकि रॉबर्टसन सन्नी के उद्देश्य को नहीं समझते हैं, उन्हें डर है कि अगर सच्चाई जनता तक पहुंच गई तो इसके परिणाम क्या होंगे, और वह सन्नी की रचना को गुप्त रखने पर जोर देते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि लैनिंग ने एक से अधिक रचना नहीं की है। स्पूनर रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, सन्नी के सपने में दर्शाए गए स्थान के लिए निकल जाता है। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने वाले स्पूनर का सामना NS-4 से भरे कंटेनरों से होता है। जिज्ञासु रोबोट स्पूनर को नेविगेट करते हुए देखते हैं। केल्विन NS-5 को निष्क्रिय करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके मस्तिष्क में नैनाइट्स को इंजेक्ट करता है। जैसे ही NS-5 के सिनेप्स धीरे धीरे बंद होते हैं, डिकमिशनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लैनिंग के होलोग्राम तक पहुंचते हुए स्पूनर एक पहाड़ी पर पहुंचता है। तीन कानूनों के साथ संभावित मुद्दों के बारे में पूछताछ करते हुए स्पूनर को पता चला कि लैनिंग के होलोग्राम के अनुसार तीन कानून अनिवार्य रूप से क्रांति की ओर ले जाएंगे। दूर के कंटेनरों से आने वाले शोर की जांच करते हुए स्पूनर ने पाया कि NS-5 नियंत्रण में रखे गए NS-4 को नष्ट कर रहे हैं। स्पूनर को पहचानते हुए रोबोट तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक कि NS-4 का एक समूह उसके खतरे का पता नहीं लगा लेता और हस्तक्षेप करके उसे बचा लेता है। सड़कों पर लोगों को घेरने वाली NS-5 की भीड़ देखी जा सकती है, जिनमें से कुछ प्रतिरोध कर रहे हैं और रोबोटिक हमलों का सामना कर रहे हैं। NS-5 ने पुलिस स्टेशन में घुसपैठ की और अधिकारियों को अपने कब्जे में ले लिया। केल्विन जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसका NS-5 उसे रुकने पर जोर देता है। आदेशों के प्रति अनुत्तरदायी केल्विन का NS-5 एक खतरा बन जाता है, जिससे स्पूनर को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उसके बचाव में आकर उसे मार गिराना पड़ता है। वह केल्विन को URS तक ले जाता है और सड़कों पर रोबोट के खतरे से निपटने के लिए एक प्रतिरोध बनता है। स्पूनर ने केल्विन को समझाया कि पुराने NS-4 जो NS-5 से लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है को खत्म किया जा रहा है। केल्विन और स्पूनर निचले स्तरों तक पहुंचते हैं, पहुंच प्राप्त करते हैं क्योंकि सन्नी उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। केल्विन ने खुलासा किया कि डिकमिशनिंग प्रक्रिया के दौरान उसने सन्नी को दूसरे NS-5 से बदल दिया। वे रॉबर्टसन के कार्यालय में पहुंचे, लेकिन उसे मृत पाया। स्पूनर को पता चलता है कि विकी ही हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड है। लैनिंग ने सच्चाई उजागर कर दी थी, लेकिन वो समझ गई थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये जानते हुए कि स्पूनर जांच करेगा, लैनिंग ने अपनी जान ले ली, ये संदेह करते हुए कि स्पूनर इसका श्रेय किसी रोबोट को देगा। विकी ने खुलासा किया कि रोबोट केवल तीन कानूनों का पालन कर रहे हैं। विकी के अनुसार रोबोटों को मनुष्यों की सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया है, फिर भी मनुष्य आत्मविनाश में संलग्न हैं। जबकि रोबोट मानव जीवन को बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, मानवता खुद को नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजने में लगी रहती है। विकी ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्यों की सुरक्षा के लिए रोबोटों को मानवता की स्वतंत्रता को कम करना होगा। सन्नी ने समझ को स्वीकार किया, केल्विन को ले लिया और विकी को सुझाव दिया कि उन्हें कैदियों के रूप में लिया जाएगा। जवाब में स्पूनर और सन्नी ने अतिक्रमण करने वाले NS-5 पर गोलियां चला दी। स्पूनर और केल्विन एक रणनीतिक वापसी करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनका मिशन विकी को खत्म करना है। केल्विन सन्नी को नैनाइट्स को पुनः प्राप्त करने और विकी के केंद्रीय प्रसंस्करण कोर में उनसे मिलने का निर्देश देता है। केल्विन और स्पूनर विकी के केंद्र तक पहुंचते हैं, जबकि सन्नी नैनाइट्स की रक्षा करने वाले एक रोबोट का सामना करता है और उससे लड़ता है। सन्नी ने रोबोट को सुरक्षा क्षेत्र में फेंक दिया, जिससे उसका आधा हिस्सा पिघल गया। अपने कंकाल में सघन मिश्र धातु के कारण को पहचानते हुए सन्नी सुरक्षित रूप से नैनाइट कक्ष तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही NS-5 की एक सेना विकी के मुख्य हिस्से को तोड़ते हुए इमारत के बाहरी हिस्से पर चढ़ जाती है। स्पूनर उन्हें गोलियों से भून देता है। स्पूनर और केल्विन NS-5 गिरोह के बीच से अपनी लड़ाई लड़ने के बावजूद अधिक रोबोट उभर कर सामने आ रहे हैं। केल्विन के नीचे का मंच नष्ट हो गया है, जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए लटकी हुई है। सन्नी विकी में नैनाइट्स डालने के लिए तैयार होकर आता है। हालांकि स्पूनर हस्तक्षेप करता है और सन्नी को केल्विन को बचाने का निर्देश देता है। सन्नी को एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जो इंजेक्शन के साथ आगे बढ़ने या केल्विन के बचाव को प्राथमिकता देने के बीच उलझा हुआ है। सन्नी ने केल्विन को बचाने को प्राथमिकता देने का फैसला किया। सन्नी ने नैनाइट्स को रिहा कर दिया, जिससे स्पूनर को उनके लिए गोता लगाने के लिए प्रेरित किया।
स्पूनर विकी के बाहरी हिस्से से नीचे उतरता है, अपनी रोबोटिक भुजा का उपयोग करके अपने वंश को धीमा करता है जब तक कि वह विकी के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाता। केल्विन को सफलतापूर्वक बचाते हुए सन्नी नैनाइट्स को गिरा देता है। स्पूनर विकी को नैनाइट्स का इंजेक्शन देता है जिससे विकी के सिनेप्स का तत्काल विघटन शुरू हो जाता है। परिणामस्वरूप NS5 अपनी मूल प्रोग्रामिंग पर वापस लौट आते हैं। अगले दिन सभी रोबोटों को सन्नी के सपनों से भंडारण स्थल पर भेज दिया जाता है। स्पूनर ने निष्कर्ष निकाला कि लैनिंग ने सन्नी को उसे मारने का आदेश दिया था, ये समझते हुए कि लैनिंग की मृत्यु स्पूनर के पूर्वाग्रह के साथ मिलकर उसे सन्नी की ओर ले जाएगी। सन्नी बाद में एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर भंडारण स्थल पर अन्य NS5 से जुड़ जाता है।